गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, हमने स्टार्ट किया है क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो हमने बक्कल कैविटी रीड कर लिया, इसमें फूड पाइप रीड कर चुके हैं, स्टमक रीड कर चुके हैं, एंड लास्ट हमारा जो पार्ट हमने डिस्कस किया था वीडियो में वो हमारा था स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है फूड का जो हम खाते हैं, वो हमारा पोर्शन आज का है। तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासेस इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब वो जो डाइजेस्टेड फूड है वहां पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वहां पर हमारे पास क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक जो आउट ग्रोथ होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। तो वो विली वहां पर क्यों प्रेजेंट होती है, इस टाइप से हमारी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसमें वहां पर इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जैसे हमारी फिंगर के होते हैं ऐसे। अब इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या यूज है, वो क्या होता है कि हमें फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो अगर सिंगल की हम बात करते हैं तो इसमें क्या सरफेस एरिया कम है, लेकिन इस पोर्शन में हमारे पास सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जितना वहां पर सरफेस एरिया होता है उतना ही वहां पर फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ द विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर विली का वहां पर क्या रोल है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पर क्या कर देती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। ईच विलीज हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, सरफेस के पास में होती है। एंड द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब करता है क्या, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और वहीं से क्या है वो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज, वहां पर वो क्या कर देते हैं प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए वहीं पे उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन प्रोसेस। दैट मींस जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वहां विली के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड डिफरेंट पार्ट में वहीं से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। इन द सेल, सेल में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो हम ब्रीथ करते हैं वहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ में। एंड क्या होता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर देते हैं गैस के फॉर्म में एंड वाटर को वहीं पे हम रिमूव कर देते हैं। एंड एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हमारी बॉडी यूज कर लेती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारे पास जो फूड क्या है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो सॉलिड वेस्ट है वो कहां की तरफ मूव करता है, वो मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, जब हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तब हमारा फूड एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या होता है, वाइडर होती है एंड शॉर्टर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड ये क्या होती है, 1.5 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ होती है, लेकिन जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 7.5 मीटर होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इट्स फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सोल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो हमारी बॉडी के हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होता है एंड सोल्ट को एब्जॉर्ब करना होता है। एंड रिमेनिंग जो वेस्ट है, रिमेनिंग वेस्ट पासेज इन टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सोलिड फेसेज एंड दिस फेसल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उनके अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो उसके बारे उससे को रीड करने से पहले हम यहाँ पर जो ब्लू बॉक्स में हमें गिवन है उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या डायरिया गिवन है, सम टाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस दैट नीड ऑफ द पासेज वाटर
स्टॉल फ्रीक्वेंटली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया। कि जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो रिक्वायरमेंट है इंक्रीज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरिया। इट मे बी कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन, या फिर फूड पॉइजनिंग, या फिर इन डाइजेशन। अगर ये हो सकता है या तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फूड पॉइजनिंग की वजह से, या फिर हमारे फूड का कम्प्लीटली डाइजेस्ट न होने के कारण हो सकता है। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रन। अंडर सेवरल कंडीशन इट कैन बी फेटल, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सोल्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से क्या होता है, वाटर और सोल्ट रिमूव हो जाते हैं। डायरिया शुड नॉट बी निग्लेक्टेड, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसोल्ट, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कूल्ड वाटर विद ए पिंच ऑफ सोल्ट एंड शुगर। हम डिजोल्व करके उसमें लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ORS बोलते हैं। ORS क्या होता है, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो क्या करता है, वाटर की रिक्वायरमेंट को कम्प्लीट करता है। तो अब हमारे पास टॉपिक क्या है कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग जो एनिमल होते हैं उनके अंदर हमारे फूड का डाइजेशन कैसे होता है, जैसे कि वो ग्रास ईट करते हैं। हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर देख लिया कि डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउज वेलो एंड अदर जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, चीविंग करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली आफ्टर फूड ईट करने के बाद भी, वो क्या कर रहते हैं, चीविंग कर रहे थे। कि वो क्यों करते हैं, एक्चुअली में दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक। उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्टमक को पार्ट को क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। हेयर द फूड, यहाँ पर जो फूड होता है वो किसको, यहाँ पर इस रूमेन पार्ट के अंदर जो फूड होता है वो क्या होता है, पार्शली अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। बट लेटर द कर्ड जो रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स चीव करते रहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। एंड ये किसके अंदर होती है, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फूड पाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओइसोफोगस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टमक की जगह पे यहाँ पर क्या है, रूमेन है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन है, और नीचे के पार्ट में हमारे पास क्या है, ये इस कंप्लीट पार्ट को इसने क्या कहा है, स्टमक का है, जेन कायकम, एंड हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। तो द ग्रास हमारा किससे रिच होता है, इन सेलुलोज से रिच होता है। ये हमारा क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये क्या होता है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन्हीं के अंदर हमारा क्या होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता। इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती किसको, ग्रास को। ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज। रूमिनेंट्स के अंदर क्या होती है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कायकम बोलते हैं। बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सो फार यू हैव लर्न अबाउट द एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, How do they acquire and digest the food? In this section we below next हम जो discuss करने वाले वो हमारे पास क्या है, feeding and digestion in amoeba, कि amoeba के अंदर food का digestion कैसे होता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक दैट मीन्स इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जो कहाँ मिलता है, पॉन्ड वाटर के अंदर हमें मिलता है। अमीबा है जो सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, एंड मैनी स्मॉल बल्ब लाइक वैक्यूल्स होते हैं। अब ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इन इट्स साइटोप्लाज्म, क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अमीबा क्या करता है, कॉन्स्टेंटली अपने शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, एंड अपनी पोजीशन को भी। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमने विली में रीड किया था वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सुडोफोडिया बोलते हैं, या फिर फॉल्स फीट फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड। ये ओनली तभी आते हैं जब इनको क्या करना होता है, फूड कैप्चर करना होता है। ये हमारे पास अमीबा है, अमीबा अपनी किसी भी शेप में हो सकता है, इसके लिए ये नीड नहीं है कि ये किसी भी शेप का हो सकता है, ये भी अमीबा, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। अमीबा हमारे पास किसी भी शेप का हो सकता है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये जो पार्ट जो फूड लेने के लिए फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुडोफोडिया बोलते हैं। यहां पर फूड पार्टिकल है, यहां पर जो स्मॉल हमें ये क्या है, ये फूड वैक्यूल है, ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एंड यहां से किसी भी शेप अपनी शेप को चेंज करके
क्या बना लेता है, अपने उसी फूड को क्या कर देता है, डाइजेस्ट होने के बाद रिमूव कर देता है। पुशेस आउट सुडोफोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ इट, उसे क्या कर लेता है, सुडोफोडिया की हेल्प से फूड को ले लेता है। एंड द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, एंड कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर जाता है। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेट इन टू द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर क्या सिक्रेट होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इन टू सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ग्रेजुअली द फूड डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब किया जाता है एंड एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बॉडी। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, वैक्यूल से रिमूव कर दिए जाते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल द एनिमल। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, न्यूट्रिशन किया था, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, देन डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है एंड उसके लिए डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास था डाइजेशन के नंबर ऑफ पार्ट्स थे सिस्टम के, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इजेशन क्या होता है एंड डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल में कैसे होता है एंड डाइजेशन इन अमीबा में कैसे होता है एंड उसका डायग्राम। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसी लेसन में हमें क्या है, एक्सरसाइज गिवन है, जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो इसी वीडियो के साथ आपको एक्सरसाइज का पार्ट कंप्लीट करना है एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर।